Once again, the best is not necessarily best for you. For you, best is the one which best suits you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको एक पूरी लिस्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ रेंज ऑफ ऑप्शंस की। दी बेस्ट इज़ नॉट नेसेसरली बेस्ट फॉर यू। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन वो है जो कि बेस्ट आपको सूट करता है, राइट। सो बहरहाल ये लिस्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ और मैंने अलग से वीडियोज़ में गाइड किया है कि आपने अपना पैशन डिस्कवर कैसे करना है और किस तरीके से आपने अपने लिए बेस्ट प्रोग्राम का और बेस्ट इंस्टीट्यूशन का इंतखाब करना है, वो अलग से वीडियोस हैं। बहरहाल इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ जो करियर ऑप्शंस हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आप थिंक थ्रू कर सकें और उनमें से उनके ऊपर फर्दर आप रिसर्च करके अपने लिए बेस्ट प्रोग्राम ढूंढ सकें। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकल साइंसेज के अंदर MBBS है, BDS, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी एंड DVM है। उसके बाद फिर अलाइड हेल्थ साइंसेज, इसमें वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज हैं, डिफरेंट BS प्रोग्राम्स हैं, जैसे मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, BS ऑफ थर्मोलॉजी है, इवन ऑप्टोमेट्री भी है, कार्डिक परफ्यूजन, डेंटल टेक्नोलॉजी, इमरजेंसी एंड रेस्पिरेटरी केयर, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड डेंटल हाइजीन, न्यूट्रिशन वगैरह। सो ये सारे के सारे अलाइड हेल्थ साइंसेज के कोर्सेज हैं और इन कोर्सेज को करने के बाद आप इवन पाकिस्तान के अंदर रहते हुए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स कर सकते हैं, अपने काम को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, इवन मुल्क से बाहर जाके अपनी सर्विसेज दे सकते हैं और अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर बायोसाइंसेज हैं, बायोसाइंसेज में डिफरेंट BS प्रोग्राम्स हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी में क्लिनिकल साइकोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स एंड माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिकुलर जेनेटिक्स, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज, एग्रीकल्चर, जूलॉजी, बॉटनी वगैरह। सो इन डिफरेंट फील्ड्स में आप BS कर सकते हैं और उसके बाद अगर आप चाहें आगे MPhil PhD वगैरह करके आप एजुकेशन में भी आ सकते हैं, हायर एजुकेशन के अंदर आप पढ़ा सकते हैं, इवन गवर्नमेंट सेक्टर में आप लेक्चरशिप के लिए जा सकते हैं, इवन कुछ जनरल ऑप्शन भी हैं CSS वगैरह, इसके इनके बाद BS के बाद आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं और इवन आप फर्दर स्टडी के लिए मुल्क से बाहर जाके भी अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सो बायोसाइंसेज ये भी एक रेंज ऑफ ऑप्शंस है फॉर द प्री मेडिकल स्टूडेंट। इसके बाद फिर केमिस्ट्री की फील्ड में भी आप आगे बढ़ सकते हैं, इसमें आप BS कर सकते हैं, अप्लाइड केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री एंड टेक्सटाइल केमिस्ट्री एक्सेट्रा। खासतौर पर टेक्सटाइल, चूँकि पाकिस्तान में अभी तो खैर जैसे कंट्री की कंडीशंस हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे भी क्राइसिस है, लेकिन टेक्सटाइल ओवरऑल जनरली बूमिंग रहती है पाकिस्तान के अंदर। सो लाजमी नहीं है कि जब आप पास आउट होंगे तब भी हालात ऐसे होंगे। सो टेक्सटाइल केमिस्ट्री में भी दिस इज ऑल्सो अनदर गुड ऑप्शन, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। फिर मिसलेनियस ऑप्शन भी हैं जो कि प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे BS कंप्यूटर साइंस आप कर सकते हैं। पहले प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स BS कंप्यूटर साइंस नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी रिसेंटली AGC ने भी अलाउ किया है कि एडिशनल यूनिवर्सिटीज़ को सेमेस्टर्स लगवा के, एडिशनल सब्जेक्ट्स पढ़ा के फिर वो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को भी BS कंप्यूटर साइंस करवा सकती हैं। सो BScS इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन फॉर यू। आप बगैर एडिशनल मैथ का एग्जाम दिए BScS में जा सकते हैं। इसके अलावा बायो इन्फॉर्मेटिक्स, दैट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन, एंड नर्सिंग जो है ये भी एक ऑप्शन है। BS नर्सिंग आप कर सकते हैं और नर्सिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ख़ासतौर पे अब नर्सिंग इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश हो रहे हैं उनमें पढ़ाने के लिए MS नर्सिंग की बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं जिन्होंने नर्सिंग में हायर एजुकेशन ली हो, और इस वक्त तो रिसोर्सेज बहुत ही स्कैंट हैं, बहुत कम हैं। और इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि जिन्होंने पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की है कि वो नर्सिस को वो भेजें यहाँ से उनकी कंट्रीज़ में, लाइक इवन अभी रिसेंटली कुछ कंट्रीज़ ने इवन इमिग्रेशन तक ऑफर कर दी है नर्सिस को। सो नर्सिंग इज ऑल्सो कंसिडरेबल ऑप्शन आई वुड से। सो ये इस रेंज ऑफ ऑप्शंस है फॉर द प्री मेडिकल स्टूडेंट्स। वंस अगेन, दी बेस्ट इज़ नॉट नेसेसरली बेस्ट फॉर यू। फॉर यू बेस्ट इज़ द वन विच बेस्ट सूट्स यू। सो इस सब में सोचते समझते हुए, इनके प्रोज एंड कॉन्स को देखते हुए आप अपने लिए बेस्ट को ढूंढें। एक अपने लिए आपने बेस्ट प्रोग्राम कैसे चूज़ करना है और उस प्रोग्राम के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी कैसे चूज़ करनी है, इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर मैंने अलग से वीडियोस बनाई हैं अपनी करियर बिल्डिंग सीरीज़ के अंदर। तो आप जाके उन वीडियोस को भी देख लीजिए, आपको मज़ीद रहनुमाई मिल जाएगी कि आपने किस प्रोग्राम को किस यूनिवर्सिटी से करना है, आपके लिए क्या ज़्यादा बेहतर है। सेपरेट वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।